देखो मैंने गाड़ी में सामान भी रख दिया। ये बच्चे कहाँ रह गए? पता नहीं ये दोनों कहाँ रह गए। तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी चलो, लेट हो रहे। हाँ आ गए। गाँव जाके भी वैसे क्या हो जाएगा, जबरदस्ती लेके जा रहे हो धूल मिट्टी में। छोटी मन कर रहे बता वहाँ जाने का? यार बड़ी तू भी सही कह रही है, मैं भी यही बोलने वाली थी। ये तुम दोनों क्या खुसर पुसर कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे, बस आपकी गांव की तारीफ कर रहे थे। जबरदस्ती लेके जा रहे हो आप हमें, हमारा कोई मन नहीं वहाँ जाने का। बच्चों टेंशन मत लो, वहाँ जाके आपको देखना कितना मजा आएगा। चलो आप भी किन्हें समझा रहे हो, इन शहर के बच्चों को क्या पता वहाँ का। पिज्जा और मोमो से फुर्सत मिले तब समझ में आए ना, वहाँ का देसी कल्चर देखेंगे, देसी खान पान जब होगा ना, जब तंदुरुस्त होके आएंगे तब इन्हें पता चलेगा, दोबारा आएंगे नहीं लौट के सपने में। बच्चों जल्दी चलो, गांव जाने के लिए लेट हो रहे हैं, जल्दी करो। चल अब लग रहा है कि अपने घर आए। की भैंस की आंख देखियो यार, ये जगह कितनी इरिटेटिंग है। इतना गुस्सा आ रहा है मुझे और इन्हें कितना मजा आ रहा है। हाँ बड़ी मुझे भी ये जगह बहुत बोरिंग लग रही है। नमस्ते जी। नमस्ते भाई साहब। ये किसका बच्चा मुझे गुंडा बोल रहे हैं? जी जी हमारे बच्चे हैं, वो कहने गांव पहली बार देखा है ना, तो इसलिए थोड़े से डर गए हैं। चलो नमस्ते करो ताऊ जी को। नमस्ते ताऊ जी। तुम्हारे बच्चे? अरे तो हमारे बच्चे। और बेटा तुम लोगों को पूरा गांव घुमाता हूँ, चलो चलो। आप हमें गांव घुमाओगे ना, हम भी आपको अपने विदेशी वीडियो गेम खिलाएंगे। तो क्या हो गया, मैं भी तुम्हारे साथ वीडियो गेम खेल लूंगा। चल चल चल। यार ये है क्या? ये डायनासोर है। ऊंट कहते हैं इसे, डायनासोर नहीं है ये। जैसे तोरी ना ऊंट जैसी, वैसे इसे ऊंट कहते हैं। यार मम्मी तेरी हर जगह बेइज्जती होती रहती है। बेटा अरे तो परेशान क्यों हो रहे हो, चलो तुम लोगों को सवारी कराता हूँ। चलो जी चलो। हाँ मम्मी तुम तो सही आंटी, हमारा गांव में मन लग गया। मैंने तो बोला ही था देसी कल्चर ही होता है। तो बेटा मजा आया सवारी करके? हाँ ताऊ जी बहुत मजा आया। तो अब चलो तुम्हारी दादी इंतजार कर रही है, तुम्हारी दादी से मिलवाता हूँ। क्या हमारी दादी भी है? हाँ तुम्हारी दादी भी है, अब चले दादी के पास। चलो चलो। अरे जाओ रे तुम्हारी दादी मिल लो। नानी 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 नमस्ते। अरे बालकों मैं तुम्हारी नानी ना हूँ, मैं तुम्हारी दादी हूँ। अच्छा दादी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अरे दादी ये क्या कर रहे हो आप? मैं चिकनी मिट्टी के बर्तन बना रही हूँ, इसमें फिर हम खाना भी खाएंगे। क्या दादी हम इसी में खाना खाते हैं? आओ मेरे पास तुम्हें भी बताऊंगी। ठीक है। कितना प्यारा है ये। देखो जी बच्चे कितने खुश लग रहे हैं, मैं तो कही था अपने देसी कल्चर को देख के रंग जाएंगे उसमें। भगवान तू जो भी बोलती है ना एकदम सही बोलती है। देखो ऐसे पकड़ो। अर्तम थारी प्रेम कथा खत्म होएगी या आओगे यहाँ पे? ये शहर में रह के सब भूल गए? अरे माँ जी आज भी आते सब याद है मुझे, जल्दी आओ। यहाँ हाथ लगा ऐसे करो हैप्पी होली। Yeah!
देखना जी मेरा वाला तो टूट गया। अरे भगवान टेंशन को लेती है, तू मेरे वाला ले ले। थैंक यू जी, आप भी ना बहुत ही अच्छे हो। मार दिया, तोड़ दिया। अरे तोड़ दिया रे। अरे छोटे ही ने नवाया जी। तो बच्चों चले हमारे गांव के स्विमिंग पूल में। क्या यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है? हाँ मतलब टुबुल। टुबुल क्या होता है? टुबुल को हमारे गांव में स्विमिंग पूल कहते हैं। अच्छी की ठीक है, चलो चलो। ये क्या है? अरे यही तो है गांव का स्विमिंग पूल मतलब टुबुल। अब जाओ कूद पड़ो। चलो मजा आया ना के? अरे छोरियों ये देखो ये हमारे गांव के लत्ते हैं, इन्हें पैर के हमारे गांव के रंग में डल जाओ। ले ओ। लो भाई साहब। यहाँ क्या बारात में आयो तुम सब? चलो। अच्छा ताऊ जी यहाँ पे खाने के लिए है क्या? पिज्जा या मोमो? देखो ताऊ जी मैं मोमो दिखाती हूँ, मुझे तो पिज्जा ही चलेगा। ताऊ जी मैं मोमो खाऊंगी। भाई यहाँ पिज्जा और मोमो नहीं मिलता, यहाँ मिलता है देसी खाना, सरसों का साग, मक्के की रोटी और उसके साथ सीप। क्या बच्चों क्या क्या एक बार खा के तो देखो, देखना कितना स्वाद लगेगा आपको। ले आओ। तो कैसा लगा भाई खाना? एकदम झकास। तो अब चलते हैं आम के बाग में, आम तोड़ेंगे। एकदम सही कह रहे हो जेठ जी, मैं भी बचपन में बहुत आम तोड़ा करती थी। बच्चों मैं भी ना एक ही पत्थर से पूरा पेड़ गिरा देता था। अरे पापा
फेंको तो जरा देख के फेंको। हाँ पापा फेंक भी रहे और हम इतना लपेट भी रहे, बस करो। हाँ ताऊ जी हमें भी ले चलो, हमें भी देखने आम के बाग। चलो 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 आ जाओ। ये देखो मैंने ये एक संतरा मार गिराया। वाह पापा दिल दूसरा अब दूसरा नंबर है, चल गिरा दे तू। चल देखो देखो मैंने संतरे मारे। बच्चों मैंने भी दो मार लिए संतरे। ये देखो मैंने कितने सारे आम ले लिए। क्या बात है मम्मी। चना ये ले तू मार। इसके भैंस का ये प्रेम मुझसे चढ़ता है क्या? हाँ मेहंदी वाली दादी मेरे को मेहंदी लगानी है, दादी मेरे को मेहंदी लगानी। हाँ चल बेटा चल। मम्मी देखना वो मोटी मेहंदी लगाने चलेंगे, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। तू क्यों रो रही, तू भी जाके लगवा लेना मेहंदी। तो चलो ठीक है। सुनो ना जी, शादी पे आपके नाम की मेहंदी लगवाई थी, मैं सोच रही क्यों ना आज भी आपके नाम की फिर से मेहंदी लगवा लूं। मेरी बोली बागवान जल लगा लेना। जा पसंद आ रहा है ना? दादी जी चुप कर। आंटी आंटी इसके बाद ना मेरी भी मेहंदी लगा देना। ये लगा दिए, तेरी बिगाड़ दूंगी बात में चुईया कहेंगी। तेरी बिगाड़ दूंगी अभी थोड़ी देर में पूरी तुम दोनों हाथ की चल चल बंदरी ऐसी मुंह की और चल चिया चिया की तेरे नाक के ना पट्टी दे दूंगी। तेरे भी बिगाड़ तेरी बिगाड़ दूँ बिगाड़ दूँ क्या चल बिगड़ गई क्या? आओ आज मेरे पास तुम आ गया दीदी मेरी मेहंदी लगाओ फिर की मुंह पे छाप दूंगी क्या बुरा लग गया। तो बेटा लगवा ली मेहंदी? ताऊजी मेरी मेहंदी कैसी लग रही है? अरे बहुत अच्छी है। अरे दीदी बेटा तूने क्यों नहीं लगवाई? ताऊजी मेरे को अच्छी नहीं लगती, गू जैसी बदबू आती है। ताऊजी मैं क्या कह रही थी, हम गांव आए और आपने हमें खेत में ना घुमाया और ना ही ट्रक में, ये कोई बात हुई? तो बैठ क्यों, अपना पापा को बुला और चलो। ठीक है ताऊ जी अभी बुला के लाई। ताऊजी ताऊजी इस ट्रक को पहले मैं चलाऊंगी। ओ भाई ऐसे कैसे चलाएगी, मैं चलाऊंगी। अबे अपनी शक्ल देखिए बोन ही गएगी, तेरे पैर भी पहुंचेंगे वहाँ। भाई बड़ी मैं चलाऊंगी इस ट्रक को। मैं चलाऊंगी मैं चलाऊंगी। अरे यार तुम दोनों रुक जाओ, तुम यार पागल हो क्या? साइड में बैठे मैं चलाऊंगा चलो। अरे दिमाग खराब कर दिया। बैठ गए ना? ठीक है। भाई साहब के क्या हुआ ट्रैक्टर को? स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा? ए तुम्हारी बेटियों की वजह से नहीं चल रहा। एक देखो बोनेट पे बैठी हुई है, पूरी गाड़ी ठंडी पड़ गई। उतर चलो। क्यों? मेरी गाड़ी पूरी ठंडी पड़ गई, तुम कह रहे हो आपको उतरे? तो बेटा आराम से घर जाना तुम लोग। ठीक है जीजू। अब मम्मी मेरा ना घर जाने का मन नहीं कर रहा। वाह पहले तुम्हारा आने का मन नहीं करता, अब तुम्हारा जाने का मन नहीं कर रहा, तो स्कूल के तुम्हारा बग जाएगा। अरे बागवान मेरे तो स्कूल खत्म हो गया ना। आप तो चुप ही करो अब चलो। अच्छा अच्छा मम्मी फिर प्रॉमिस करो कि अगले संडे हम फिर से आएंगे। ठीक है अगले संडे हम फिर से आएंगे। तो कैसे आप सब और कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीदियो को लाइक करना, कमेंट करना और मेरा चैनल अदिति शर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल बिल्कुल मत भूलना। और आपको मैं घाघरे में कैसी लग रही हूँ, अगर आपको गाँव का दूसरा पार्ट चाहिए तो मुझे वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, मैं दूसरा पार्ट भी जरूर लाऊंगी। और कुछ बोल रही हूँ, हाँ मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। फेसबुक पे भी मैं बातें कर रही हूँ आजकल, लोग आ नहीं रहे हो तो जाओ मुझे फॉलो करो और वहाँ पे लाइव आऊंगी बातें करेंगे। तो मिलती हूँ मैं जल्दी एक प्यारी सी लवली सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय लव यू जय बजरंग।